जैकपीस हनुमान सभा 8 मरले में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद विज ने शिरकत की। सभा के सभी सदस्यों ने प्रमोद विज, पार्षद लोकेश नागरू और राकेश बठला को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भाजपा अध्यक्ष प्रमोद विज ने कहा कि पानीपत में आज का युवा भगवान के दिखाए रास्ते पर चल रहा है। देश में और समाज में आजकल युवाओं में नशे की लत ज्यादा हो रही है, लोग नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पानीपत में युवा वर्ग धर्म की ओर अग्रसर हो रहा है। राकेश बठला ने प्रमोद विज का सभा में पहुंचने पर स्वागत किया। श्री राधा कृष्ण मंदिर के प्रधान ने युवाओं का हौसला बढ़ाया। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद हो। आज कपीस कमेटी द्वारा यहाँ पे 8 मरले में हनुमान स्वरूप जी बैठे हुए हैं, तो उनके दर्शन करने का मौका मिला। सभी साथी आए हुए, मेरे साथ हमारे पूर्व पार्षद भाई लोकेश नागरू जी हैं, वालिया जी हैं, दिवाकर जी हैं, मनीष जी हैं, सभी साथी आए हुए हैं। और जैसा मैं तो पहले भी कहता हूँ कि पानीपत में जितना भी पानीपत में तरक्की हो रही है, जितना भी समाज आगे बढ़ रहा है, इसमें धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। और धर्म में लोगों की आस्था बहुत है, और जिसका आपके सामने है कि 8 मरले में आज ये कार्यक्रम रखा हुआ है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कपीस हनुमान सभा की ओर से प्रोग्राम किया जा रहा है और ये 8-10 सालों से किया जा रहा है। अच्छा जी, तो इसमें सभा में कितने सदस्य, किस तरह का कार्य? कम से कम 25-30 सदस्य हैं। क्या नाम आपका? राकेश बठला जी। आज भी सबको यहाँ बुलाया गया था, बच्चों ने बहुत स्वागत करा उनका। मैं मंदिर का पूर्व प्रधान जीतीशलाल हांडा, बच्चों ने मेरे को भी इनवाइट करा था। हमने सारे मल्ले ने मिलजुल के विश साहब का स्वागत करा, और विश साहब ने बच्चों को बहुत हौसला बढ़ाया और इनको आशीर्वाद दे के गए। कौन सी सभा का प्रोग्राम है? जैकपीस हनुमान सभा। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जीतीशलाल हांडा।